और टॉप पे एलईडी कंट्रोल्स और टच कैपेसिटिव बटन्स देखने को मिलेंगे विच लुक्स रियली प्रीमियम और ब्रांडिंग के साथ जो आप ये दो होल्स देख रहे हैं ये हैं माइक्रोफोन्स और वो इसलिए क्योंकि आपको इस साउंड बार के अंदर बिल्ट इन एलेक्सा मिलता है यस इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट और इसके अंदर एक लैंड पोर्ट भी है लैंड पोर्ट के साथ आपको एच डी एक एच इनपुट ऑप्टिकल इनपुट और ब्लूटूथ की सपोर्ट मिलती है आपको सबवूफर के अंदर भी सेम लुक्स देखने को मिलेंगी और सामने जो ये यामाहा का लोगो है दैट रियली लुक्स वेरी प्रीमियम ये सबवूफर एक्टिव वायरलेस सबवूफर है और आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं अपने रूम में जनरली आप साउंड बार को अपने टीवी के नीचे रखेंगे और सबवूफर को ग्राउंड पे किसी भी कॉर्नर में लेफ्ट या राइट एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन ड्राइवर्स के स्पेक्स और साइज ये रहे आपके सामने और आउटपुट की जहाँ तक बात है साउंड बार का आउटपुट है 100 वॉट और सब उफर का टोटल बनता है 200 हंड्रेड वॉट लेकिन इम्प्रेसिव चीज एक और है of 82 decibels, that means a lot. और क्या उसका मतलब है ये मैं आपको ऑडियो टेस्ट के अंदर आगे बताऊंगा आप इस साउंड बार को की से कनेक्ट कर सकते हैं

अगर आपने इस साउंड बार के साथ फायर स्टिक लगाई है और उसके अंदर एच डी आर टेन कॉन्टेंट देख रहे हैं तो इस साउंड बार से आपको एच डी आर टेन पास थ्रू मिलेगा एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल थिंग फॉर टेक लवर्स आपको वही क्लैरिटी देखने को मिलेगी इस साउंड बार के थ्रू प्ले होते हुए कॉन्टेंट में जो आपको नॉर्मली टीवी के अंदर देखते हुए मिलती और ऐसे फीचर आपको इससे ऊपर की साउंड बार के अंदर भी जनरली देखने को नहीं मिलते इस साउंड बार के अंदर मिल रहे हैं दैट इज वॉट आई लव अबाउट इट लेकिन अब आपको स्ट्रेट ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं क्योंकि इधर उधर की बातें सारी खत्म मजा आएगा सुनके आपको इससे डबल मजा आएगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऑडियो फाइल्स के लिंक को क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड करके उस ऑडियो को सुनेंगे जो हमने इस साउंड बार के साथ रिकॉर्ड करी है इंक्लूडिंग दिस सॉन्ग हमने अलग-अलग जॉनरा के कई सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करा और उसके बाद उसे अपलोड करा अपनी ड्राइव पे ताकि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी में सुना सकूं और मैंने खुद चूज करे हैं सॉन्ग्स आप जानते हैं क्यों लेकिन इस ऑडियो क्वालिटी को मैं अब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं आपको दिस साउंड बार इज वेरी 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 डिफरेंट क्योंकि बर्न इन करने के बाद जिस तरीके से ये साउंड बार परफॉर्म करती है जिस तरीके से ये क्लैरिटी देती है एंड स्पेशली इस साउंड बार के अंदर एक मोड है थ्री मोड आप जब थ्री मोड को ऑन करते हैं यू अ एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑडियो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक वर्चुअल सराउंड इफेक्ट आ रहा है और आपके कानों में वो आवाज अलग-अलग जगह से आती है एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार उसके साथ आप क्लियर वॉइस को भी अगर ऑन करेंगे जो इस साउंड बार का एक फीचर है यू विल गेट अ लॉट ऑफ मिड रिस्पांस यानी जो वोकल्स है वो आपको और ज्यादा शार्पली सुनाई देंगे और उसकी वजह से ऑडियो आपको जो सीधा यहां फील होती है ना दैट इज दी बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साउंड बार क्योंकि वोकल्स इतने ज़्यादा शार्प होते हैं आपको वो सीधा यहां फील होते हैं एंड देन यू रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल दिस साउंड बार इज और इसके अंदर कहीं से भी बेस की कमी नहीं है आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा बूम बूम बेस की जरूरत है स्टॉप लुकिंग एट गया यह आपके लिए नहीं बनी है आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा बेस के लिए भी एक ऑप्शन मिलती है आप उसे अगर ऑन करेंगे भी तो आपको बेस थोड़ी सी एनहैंस्ड जरूर मिलेगी लेकिन आपको वो बेस कभी भी नहीं मिल सकती जो आपको बजट साउंड बार्स के अंदर मिलती है बिकॉज दे आर डिजाइंड टू गिव यू एक्स्ट्रा बेस विच इज नॉट इन द म्यूजिक आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कोई भी म्यूजिक कंपोजर कभी भी एक लेवल की बेस डालेगा और उससे ज्यादा बेस अगर आप उस म्यूजिक में निकाल रहे हैं किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट की वजह से लेट्स या साउंड बार या फिर एक होम थिएटर आप आर्टिफिशियल साउंड सुन रहे हैं विच इज नॉट ट्रू टू दंपोजर विच इज नॉट ट्रू टू द म्यूजिक एंड इफ यू लाइक दैट साउंड इज नॉट फॉर यू बट इफ यू लाइक एब्सुल्यूट क्लैरिटी एग्जैक्टली सेम ऑडियो जो किसी म्यूजिक कंपोजर ने रिकॉर्ड करी होगी तो आप सिर्फ या महा पे आगे रुकेंगे क्योंकि यह आपको बिल्कुल वही ऑडियो दे रही है एंड दट इज वाई आई लव दिस ब्यूटी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेस लवर्स को यह साउंड बार किसी भी तरीके से डिसपॉइंट करने वाली है कैसे इस ऑडियो क्लिप को जरा ध्यान से सुनिए आपने जो ऑडियो टेस्ट अभी सुना उसके अंदर आपको बेस में भी क्लैरिटी दो क्लियर वॉइस और बेस एक्सटेंशन आपको दोनों को एक, साथ नहीं करना है. एक को बंद रखेंगे तो दूसरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा अगर आपने बेस एक्सटेंशन को यूज करा तो उसमें आपको ज्यादा बेस रिस्पॉन्स तो मिलेगा सब ऊपर से लेकिन आपको इन ड्राइवर्स से भी मिलेगा एंड इज वेरी ब्यूटिफुल आपको जो ज्यादा बेस मिलती है वो एनहेंस्ड होती है आर्टिफिशियल नहीं उससे आपको मजा आएगा वेन एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय बेस इन एनी सॉन्ग और अवी में कौन एंजॉय करता है बेस बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय देन यू विल बी एबल टू डू दैट विद दिस साउंड बार मूवी की बात करी ही है तो आपको इस साउंड बार को टीवी के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूं क्योंकि आपका भी यही पर्पस है और हमें भी टेस्टिंग वैसे ही करनी है इसे देखिए ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं ये साउंड बार के पीछे एमेजोन फायर स्टिक को लगा के हमने प्ले किया है और आप देख सकते हैं कि एच डी आर टेन पास थ्रू आपको इजीली मिल रहा है इस साउंड बार से लेकिन अब आप ऑडियो टेस्ट सुनिए सॉरी तो इस क्लिप को ज्यादा लंबे टाइम तक मैं आपको दिखा नहीं सकता कॉपी राइट की वजह से लेकिन इसी क्लिप की ऑडियो फाइल मैंने आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दी है आप जब उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मजा मुझे भी आया पूरी मूवी देख डाली मैंने इस साउंड बार से लेकिन अब आपको मैं मतलब समझाता हूँ इस साउंड बार से मिलने वाली इमेजिंग और डेप्थ का मान लीजिए एक फाइट सीक्वेंस के अंदर एक्टर यहाँ खड़ा है और उसके ऊपर गोलियां यहाँ से चल रही हैं तो आपको आवाज भी इधर से आनी चाहिए तो आपको किसी और साउंड बार के अंदर नहीं सुनने को मिलेगी आपको एक कॉमन आवाज आएगी लेकिन नॉट इन यामाहा आपको एग्जैक्ट वो ही डेप्थ पता चलेगी आपके कान वो रियलाइज करेंगे कि उतने डिस्टेंस से आपको वो आवाज आ रही है एंड दैट इज मैजिकल जब आप इसे रियलाइज करते हैं जो कि आप सिनेमा हॉल्स में करते हैं आप उसे अपने कमरे में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेप्थ क्या है और इसे कहते हैं इमेजिंग एंड दिस साउंड बार गिव्स यू दैट काइंड ऑफ डेप्थ जिससे आपको सिनेमा हॉल वाल वाली फील अपने छोटे से लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में इजीली पता चलेगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इस साउंड बार के साथ ये फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड इट इज ब्यूटिफुल आप जब इसे यूज करेंगे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर सारे कंट्रोल्स हैं आपको किसी टाइप के कोई इश्यू नहीं होगा इसके अंदर आपको थ्री डी सराउंड क्लियर वॉइस और बेस एक्सटेंशन का भी डायरेक्ट बटन देखने को मिलता है विच अ लिबर्टी टू यूज दिस और यू कैन यूज द एप आपको उसके अंदर भी ये सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे नाउ कमिंग टू अ वेरी एंडी हार्ट सबसे पहले मैं आपको इसके बताऊंगा। इस का सिर्फ एक ही है कि कि इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले नहीं है। है आपने क्या option select की फ्रॉम डिस्टेंस आप जब इसके पास आएंगे तो आप इसकी एलईडीज फ्लैश होते हुए देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने जो कमांड दी है वो इसमें एग्जीक्यूट हो रही है दिस इज दी कॉन अकॉर्डिंग टू मी और अब बारी आती है प्रोज की और उसके अंदर मैं आपको लिस्ट दे देता हूं पूरी आप खुद ही चूज कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्रोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड बार गिवस यू एब क्लियर ऑडियो आपको एक्चुअल बेस मिलेगी दट इज दोट्स बहुत ज्यादा अच्छे सुनाई देंगे आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज बहुत अच्छी डेप्थ का मतलब अगर सिंगर यहां पर खड़ा है और वॉयलिन की आवाज उसके दस फीट पीछे से आनी है तो आपको वह पता चलेगा कि दस फीट पीछे से वॉयलिन बजाया जा रहा है यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड the इज part. आपको ये सब चीजें किसी और बजट साउंड बार में या फिर इस रेंज की किसी और प्रीमियम साउंड बार के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगी दिस हैज गॉट द मोस्ट क्लियर ऑडियो दट यू कैन गेट आपको थ्री डी सराउंड जो मिलता है मेरी मानिएगा अगर आपके पास यह साउंड बार है उसे जरूर यूज करिएगा वर्चुअल साउंड इफेक्ट मिलेगा दैट इज अनमैचेबल उसे आप किसी और साउंड बार के साथ मैच नहीं कर सकते ये साउंड बार बहुत अच्छी डेप्थ और इमेजिंग के साथ आती है दिस इज फॉर मीडिया बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस साउंड बार आपको इसके अंदर फोर के पास थ्रू मिलता है आप एच डी आर टेन और एच एल जी कॉन्टेंट को प्ले बैक कर सकते हैं दीज आर सम थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम साउंड बार के अंदर देखने को मिलेंगे साउंड बार मैंने खरीदी थी अबाउट थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज की जिस समय मैंने खरीदी थी लेकिन हो सकता है इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हो इसका प्राइस डिफरेंट हो और अगर यह कम है तो आपका यह जैकपॉट है इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जरूर चेक करिए अब आप में से कई लोग इस साउंड बार को दो और साउंड बार्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उनकी कंफ्यूजन का आंसर भी मैं इसी वीडियो में करना चाहता हूं अगर आप वाई एस टू जीरो नाइन को यानी यामा को डेनिन की थ्री सिक्सटीन के साथ कंपेयर करेंगे देन लेट मी टेल यू गुड साउंड बार बट उसमें आउटपुट बहुत कम है इट इज ओनली वन हंड्रेड वॉट साउंड बार बहुत अच्छी है क्लैरिटी बहुत अच्छी है द डेप्थ इज देयर देयर इज एवरीथिंग दैट यू गेट इन दैट साउंड बार बट आई स्टिल लव यामहा नो आई एम नॉट बींग बायस राइट नाउ बट आपको मैं बताना चाहता हूं कि आउटपुट ऑल्सो मैटर्स आपको टू हंड्रेड वॉर्ड का जो आउटपुट इस साउंड बार में मिलता है विच इज वेरी वेरी गुड बाय द वे

आपको क्लियर सुनना है इसलिए अगेन फॉर मी इज द विनर इन टू जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप साउंड बार को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज मेरे लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा उससे इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत मदद होगी बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए और आप एक अच्छी साउंड बार एंजॉय भी करेंगे और मैं आपको थैंक यू एडवांस में ही बोल दूंगा और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में मुझे पता है आप में से कई ऑडियो फाइल लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप उससे पूछना चाहेंगे इट्स अ फोरम वेर यू कैन डिस्कस आल्सो एंड वेर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत जल्दी मिल रहा हूँ वो भी एक बहुत शानदार साउंड बार है थोड़े ज़्यादा बजट की तो है लेकिन है बहुत शानदार वेट करिएगा उसकी और मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ थैंक यू वेरी मच